नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दिस इज सीए डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, योर फ्रेंड, योर बेस्ट सर, ऑलवेज हेल्पिंग हैंड टू गेट योर डिग्री, दैट इज सीए। फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द कॉन्सेप्चुअल वर्ल्ड ऑफ एफआर, नोन एज मनोज का एफआर। फ्रेंड्स, टुडे वी डू इंडियस 101, राइट? ये इंडियस फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियस के लिए है। नॉर्मली आप बोलोगे सर इसको सबसे पहले होना चाहिए, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन कर रहे हैं तो, जबकि हम सबसे लास्ट में कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसका रीजन सिंपल है कि ये इंडेक्स में बाकी के सारे इंडेक्स को कैसे अप्लाई करना है फर्स्ट टाइम, उसके लिए पहले उनका आना जरूरी है, तब जाके हम इसको अप्लाई कर पाएंगे, बराबर। इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये इंडेक्स एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब एक्चुअल में काम करोगे तो अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेक्स अप्लाई करना है, और उनके लिए अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो आप इंडेक्स अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। और मनोज के एफआर का सिस्टम है एग्जाम ओरिएंटेड प्लस प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज होगा, तो अपने सिस्टम से हम इसको करेंगे जो हमने सीखा हुआ है कि एग्जाम ओरिएंटेड भी हो जाए, अगर एग्जाम में भी आ जाए, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट इंपॉर्टेंट तो है, आ तो सकता ही है। और प्रैक्टिकल में आप जैसे ये सीख लो, आप प्रैक्टिकल में एक्चुअली इंडेक्स को अप्लाई कर सको, फर्स्ट टाइम इंडेक्स को अप्लाई कर सको, बराबर। फ्रेंड्स, हम इसको हमारी चार स्टेप में जैसे रेगुलर होता है वैसे ही जानेंगे। चार पार्ट पता है कौन कौन से, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा एप्लीकेबिलिटी, थर्ड मेन पॉइंट इन दिस इंडेक्स, एंड लास्ट डिस्क्लोजर, राइट। सो ऐसे फोर पार्ट में हम इसको लर्न करेंगे। आंसर कैसे लिखना है उसके लिए हम तीन स्टेप में आंसर लिखते हैं, वो आंसर लिखेंगे। ओवरऑल क्वेश्चन आपके 18 इसमें इलस्ट्रेशन दिए हैं, 4 टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन दिए हैं, सो ऑल 22 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर, राइट। सो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और सारे फ्रॉम आईसीआई मटेरियल, जिससे क्या होगा आईसीआई के क्वेश्चन डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहे हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। सबसे पहले मीनिंग, आखिर इंडेक्स 101 का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जैसा नाम ही दिख रहा है, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेक्स, माने हम फर्स्ट टाइम इंडेक्स अप्लाई कर रहे हैं। किससे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्या पहली बार बिजनेस कर रहे हैं? नो, पहले बिजनेस चालू है, लेकिन हम पहले क्या फॉलो कर रहे थे, प्रीवियस गैप, जिसको हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इंडेक्स को अप्लाई किया जा रहा है, तो पुरानी चीज को हटा के अब नई चीज अप्लाई की जा रही है, इसलिए उसको बोला जाता है कि अब फर्स्ट टाइम नई चीज को लिया जा रहा है, तो कैसे करेंगे, इसका ही डिटेल एनालिसिस इस स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, हमारे पुराने एएस जो हैं, जो आपने पहले सीख कर रखे हैं, उनकी नॉलेज भी आपको काम आएगी, प्लस ना सीखा हो तो भी आपको डायरेक्टली ये पता रहे कि ऐसा करना है, तो पुराना जो भी हुआ होगा आप इस तरीके से कर पाओगे, और थोड़ा थोड़ा इंटीमेशन पुराना भी यहां पर देते हैं कि भाई पहले ऐसा करते थे, अभी ऐसा करना है, राइट। सो अपना सिंपल ऑब्जेक्टिव है, हम लोगों को जो प्रीवियस गैप, या बोलो यहां पर अकाउंटेंट नहीं बोलते हैं, वो प्रीवियस गैप वर्ड यूज करते हैं, याद रखो, क्योंकि मनोज के एफआर में सब छोटी छोटी बातों को कवर किया जाएगा। तो प्रीवियस गैप जो यूज कर रहे हैं, उनकी जगह अब हम इंडेक्स अप्लाई करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे, उस पे मेन फोकस किया गया है। तो फ्रेंड्स, कैसे करेंगे, तो सिंपल है, जब तक जो इंडेक्स एएस थे, प्रीवियस गैप थे, वो चल रहे थे, आज से हम इंडेक्स चालू कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। सपोज आज 31 मार्च 2020 है, तो 31 मार्च 2020 से हम इंडिया से अप्लाई कर देते हैं, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च तक हमारे एएस चल रहे थे। बट प्रॉब्लम क्या है कि आज से इंडिया से अप्लाई करेंगे तो चलेगा, लेकिन इंडिया से बोलता है नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपको रेस्टो पे कैफ करना पड़ेगा, माने बिगनिंग से करना पड़ेगा। आप बोलेंगे बिगनिंग से कब तक खोलेंगे भाई, हमारे पास ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं होते, 8 साल ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं रखते हम लोग, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि चलो बिगनिंग से मत करो, लेकिन एटलीस्ट जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, सपोज अभी 31 मार्च 2020 को तुम फर्स्ट टाइम इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, यानी कि 1/4/2020 से इंडिया से अप्लाई होने वाले हैं, तो उससे पहले वाली जो बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट को आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं, आपने देखा होगा एज पर शेड्यूल 3, उसमें प्रीवियस ईयर का कॉलम भी आता है और करंट ईयर का कॉलम भी आता है, तो जब इंडेक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम 1/4/2020 से आगे 31 मार्च 2021 के लिए, तो डेफिनेटली उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम भी होने चाहिए। अब ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम कौन से होंगे, तो वो होगा 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 तक। सो अब 1/4/2019 से ये जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं
जिसको हम प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं या आप इसको ओपनिंग बैलेंस शीट बोल सकते हो, वो बन चुकी है। उस ओपनिंग बैलेंस शीट को हमको अब क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए जब इंडेक्स में बनाती है तो उसको भी इंडेक्स के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो यहां पर मेजर फैक्टर जो रखा गया है पूरे के पूरे इंडेक्स के अंदर, वो ओपनिंग बैलेंस शीट को कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि आज से तो हम इंडेक्स अप्लाई कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आज से पहले वाला जो हो चुका है उसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडेक्स अप्लाई करने में आज से दिक्कत नहीं है, बट पहले का चीजों को इफेक्ट करना, पहले की चीजों को रेक्टिफाई करना, वो यहां पर सबसे बड़ा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उन्हीं चीज को यहां पर डिस्कस करना है कि कैसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट को इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे, जिससे आगे हम इंडेक्स अप्लाई कर सकें स्मूथली, लेकिन पुराना काम खत्म हो जाए। और ये काम खाली एक ही साल करना है, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन जब हो रहा है, इस चीज का नाम ही क्या है, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेक्स। ओके, वेरी गुड। अब फ्रेंड्स आता है कि ये फर्स्ट टाइम में कैसे करेंगे, तो आपको सारे इंडेक्स की नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सारे इंडेक्स की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन सारे इंडेक्स की नॉलेज के लिए यहां पर जो क्वेश्चन आएगा आपको मेंशन कर देंगे कि ये वाली इंडेक्स के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, या आपको बताएंगे कि ये चीज को हम कैसे चेंज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्र प्रकृति से चेंज करना है, माने बिगनिंग से चेंज करना है, लेकिन जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है राष्ट्र प्रकृति से करना, वो कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने एकदम ओपन रख के बोला है कि आपको हम ऐसे मझधार में नहीं छोड़ रहे, आपको एक सिस्टमेटिक वे में बना के दे रहे हैं कि अगर आपको लगता है इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि बिगनिंग से सॉल्व कर सकते हैं या रेक्टिफाई कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज आज से करोगे वो भी चलेगा। आज से मतलब कौन सा डेट, तो यहां पर वर्ड जो आएगा प्रॉपर वर्ड उसको बोलते हैं ट्रांजिट डेट, ट्रांजिशन, राइट। तो ट्रांजिशन डेट से भी हम कर सकते हैं। व्हाट इज ट्रांजिशन डेट, मतलब जब से हम फर्स्ट टाइम इंडेक्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट का फर्स्ट डेट, यानी हमारे इस एग्जांपल में 1/4/2019 इज द ट्रांजिशन डेट, राइट। सो हालांकि मैं आपको पॉइंट टू की नोटिस के अंदर लिखवाने वाला हूं जो मेन पॉइंट हमारे होते हैं उनके अंदर, बट आपको समझाने के लिए बता दिया कि इंडेक्स में हम लोगों को अप्लाई करना है इंडेक्स को, उसके लिए जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसको रेक्टिफाई करना है, क्योंकि आज से तो हम इंडेक्स अप्लाई कर देंगे लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट का कॉलम भी बनाना है, उसको भी हमको रखना है, तो उसको भी हमको जो प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है रेक्टिफाई करके एज पर इंडेक्स बनाना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आता है कि कैसे ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम को रेक्टिफाई करेंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई सारे इंडेक्स अप्लाई करना है, ये नहीं कि आप एक इंडेक्स अप्लाई कर दोगे। अगर सपोज आपने फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेक्स किया है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई एक को कर लिया एक को नहीं किया, बोले सबको करना है, ठीक है भाई सबको कर देंगे, सबको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करना है, बिगनिंग से करना है। बोलते हैं भाई वो भी कर सकते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल हो, तो इसलिए उन्होंने कुछ स्पेसिफिक आइटम दिए हैं जो मैं आपको यहां लिखवाने वाला हूं कि इन पर्टिकुलर आइटम को आप किस किस तरीके से ले सकते हैं। उन्होंने आपको कहीं ना कहीं ऐसा बोला है कि देखो जो चीज पहले की भी ठीक चल रही है या पहले का अपन रखना चाहते हैं तो रखो, कोई दिक्कत नहीं, एज पर प्रीवियस गैप, प्रीवियस गैप का मतलब क्या हुआ, एज पर ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अगर आप रखना चाहते हो तो यू कैन कंटिन्यू। तो इसके लिए हम स्पेसिफिक आइटम देखेंगे कि कहां कहां पे वो ओल्ड अलाउ करेंगे और कहां पे बोलेंगे नहीं आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा एज पर इंडेक्स। ओके, सो फ्रेंड्स ये है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस इंडेक्स, राइट, जिसको हमको फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है। अब आता है फ्रेंड्स एप्लीकेबिलिटी, माने ये इंडेक्स किस किस के लिए एप्लीकेबल होगा और कैसे करना है। तो फ्रेंड्स एप्लीकेबिलिटी में ये सब पे अप्लाई होता है, लेकिन याद रखो ये खाली एक बार ही अप्लाई हो सकता है लाइफ में, ऑब्वियस, क्योंकि वंस यू अप्लाई द इंडेक्स दैट मींस आपका भी इंडेक्स एप्लीकेबल हो गया, अब इसके बाद तो आगे आपको इंडेक्स ही रखना है, वापस थोड़े अपन को गैप में आना है, तो एक बार ही लाइफ में अप्लाई किया जाता है। और अगर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है तो उसके ऊपर नहीं आता है, इसके इसमें दिया हुआ है, आप एक बार मैं रीड करवा देता हूं आपको, स्कोप करके है, यस, इंडेक्स 101 अप्लाई टू फर्स्ट इंडेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर पार्ट ऑफ द पीरियड ओवर बाय द फर्स्ट इंडेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउएवर इट डज नॉट अप्लाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मेड बाय द एंटिटी इन ऑलरेडी एप्लीकेबल इंडेक्स, राइट। तो इसको छोड़ के बाकी के सब पे अप्लाई होने वाला है, बाकी के मेन पॉइंट में आपको मैं एक अलग से जब अपन मेन पॉइंट इंडेक्स डिस्कस करेंगे उस टाइम मैं आपको रीड करवाऊंगा, राइट। सो नाउ फ्रेंड्स मेन पॉइंट इन दिस इंडेक्स, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी तो क्या है, ये जिसको भी कन्वर्ट करना है उसके लिए कन्वर्ट करना कंपलसरी है, खाली चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मेड बाय एन एंटिटी दैट ऑलरेडी अप्लाइड इंडेक्स उस पे खाली अप्लाई नहीं होता है, राइट, अदरवाइज सब पे अप्लाई होता है। अभी फ्रेंड्स
इसके अंदर मेन पॉइंट जिसके ऊपर मेनली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, राइट, सो वो ही हम अभी करते हैं। सो आप लिखेंगे मेन पॉइंट इन दिस इंडेक्स, राइट, जो कि हमारा थर्ड पार्ट होता है। पार्ट वन इंट्रोडक्शन, पार्ट टू एप्लीकेबिलिटी, जो यहां पर ज्यादा कुछ खास है नहीं, और पार्ट थ्री इज मेन पॉइंट इन दिस इंडेक्स, राइट। सबसे पहले तो कुछ चीजें आपको समझानी है, जैसे कि पॉइंट टू भी नोटिस करके, तो एक हो जाएगा पॉइंट टू भी नोटिस। कौन कौन से पॉइंट नोटिस करना है? सबसे पहले ट्रांजिशन डेट क्या होता है, फिर डीम्ड कॉस्ट, फिर इट्स अप्लाइड ओनली वंस इन अ लाइफ, एक बार ही खाली अप्लाई होता है, राइट। नाउ ये जो पॉइंट टू भी नोटिस है, ये सब वर्ड आपके प्रैक्टिकल समझ हम करेंगे तब आएंगे, तो आपको समझना चाहिए कि किस टाइप से करना है, क्योंकि जब हम अप्लाई करने जाएंगे, जैसे भी एप्लीकेबिलिटी में अप्लाई भी बोल सकते हैं, जब अप्लाई करने अपन जाएंगे इंडेक्स को, तब आपको बहुत सारी ऐसे स्लाइडेज होंगे जिनको डीरिकॉग्नाइज करना है। हो सकता है कुछ लोगों को आपको जो पहले डीरिकॉग्नाइज कर लिया उनको लेके आना है, क्योंकि एज पर इंडेक्स करना है तो डेफिनेटली इंडेक्स में जो हुआ है वो सब करना पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए यहां पर ऐसे वर्ड जो आएंगे उनको आपको समझना है, तो पॉइंट टू भी नोटिस के अंदर ट्रांजिशन डेट क्या है, डीम्ड कॉस्ट क्या है, और इट्स अप्लाई वंस इन अ लाइफ, राइट। नाउ सबसे पहले व्हाट इज ट्रांजिशन डेट, इनका डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं, लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रांजिशन डेट बताइए क्या होगा। तो मेरे बर्ड तो आपको पता है मनोज कैफर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, उसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली ट्रांजिशन डेट मतलब जिस दिन से इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो प्रीवियस बैलेंस शीट है उसका जो ओपनिंग डेट है वो ट्रांजिशन डेट है, ओके। आई रिपीट, जो जिस दिन से हम इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, सपोज हमने 1/4/2020 से इंडिया से अप्लाई करना चालू किया, तो हमारा ट्रांजेक्शन डेट होगा प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, यानी कि 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 तक, तो ट्रांजेक्शन डेट होगा हमारा 1/4/2019, यानी इस डेट के लिए हम बोल सकते हैं 1/4/2019 हमारा ट्रांजेक्शन डेट है, अगर हम 1/4/2020 से इंडिया से अप्लाई करने जा रहे हैं, यानी कि हमारी फर्स्ट बैलेंस शीट जो इंडिया के अकॉर्डिंग बन रही है वो 31 मार्च 2021 को बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग 1/4/2019 हमारे लिए ट्रांजिशन डेट हो जाएगा, यानी कि उस दिन से इंडेक्स अप्लाई करने पड़ेंगे, और उससे पहले के भी रेट्रोस्पेक्टिव लाने हैं, लेकिन उसमें काफी सारा रेक्सेशन है, काफी सारी जगह जो इम्प्रैक्टिकल है वहां पे उन्होंने बोला है कोई बात नहीं आप अपने हिसाब से करिए, क्योंकि इंडेक्स को अप्लाई करना मतलब ये नहीं होना चाहिए किसी को बर्डन बन जाए, हमको बर्डन नहीं बनाना है, इंडेक्स अच्छे के लिए हो रहे हैं, कुछ ऐसा करने के लिए हो रहे हैं जिससे हमारा अकाउंटिंग और स्मूथ हो जाए, अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी हो जाए, तो उसके लिए ये बर्डन नहीं है, ये सिस्टमेटिक है, क्योंकि इसमें रूल इतने ज्यादा लोगों ने समझाने की कोशिश की है बच्चों को, उस वजह से उनको ये बर्डन लगने लग जाता है कि यार इसमें ऐसा भी करना है, कभी ये हो जाता है कभी ये सब लॉजिकल है, क्योंकि आप उस चीज को फर्स्ट टाइम एडॉप्शन कर रहे हो तो डेफिनेटली वो ज्यादा अच्छा होगा, तभी हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो कहेंगे अप्लाई करें, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब कोई नई चीज आती है डेफिनेटली पुरानी चीज ही अच्छी चीज आती है तभी उसको अप्लाई किया जाता है ना। सो आपको ये समझना है कि यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन पता रहे, बाकी का हम लोग जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जिस चीज का पुराना निकालना पॉसिबल नहीं है, आज पहले 10 साल पहले हम कैसे निकालें या 20 साल पहले कहां जाएं, तो हमको दिमाग नहीं लगाना है, हमको आज के दिन से ही दिमाग लगाना है, और कोई ऐसी चीज लाएं जो एकदम इम्प्रैक्टिकल है कि नहीं हम उनको ढूंढ नहीं सकते, उनको हम एजिटी रख सकते हैं, बराबर। इसके लिए वो सब चीजें आगे आने वाली है। हर फिलहाल आपको ट्रांजेक्शन डेट पता चल गया है जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट का फर्स्ट डेट होगा, ठीक है। यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी हो रही है 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 का, ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम एडॉप्शन कर रहे हैं 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसके लिए प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट का जो फर्स्ट डेट है वो हमारे लिए डेट ऑफ ट्रांजिशन, ओके, वेरी गुड। डीम्ड कॉस्ट, ये बहुत बड़े काम की चीज है, आप जब कन्वर्ट करने जाओगे, क्योंकि हम कन्वर्ट भी करेंगे, हमारा एक क्वेश्चन दिया भी है क्वेश्चन 18 जिसमें प्रैक्टिकल कन्वर्ट करवाया उसने बैलेंस शीट को, वहां पर हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हमको जरूरत पड़ेगी कॉस्ट की। तो डीम्ड कॉस्ट क्या होती है? डीम्ड कॉस्ट एक टाइप की जो कॉस्ट हम मान सकते हैं, जैसे डीम्ड उसका नाम ही है, तो उसमें दो कॉस्ट हो सकती हैं, एक फेयर वैल्यू जो कि आपको पता है इंडेक्स में बेस है, और दूसरा कैरिंग वैल्यू जिसको हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं,
कौन कौन सा? फेयर वैल्यू एंड कैरिंग वैल्यू, जिसको हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? डीम्ड कॉस्ट, राइट। अब डीम्ड कॉस्ट क्या बोलता है कि आप इन दोनों में से जो मर्जी ले लो। जब हम वैल्यू करने जाएंगे तब की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी आपको एक बता रहे हैं वर्ड जो है डीम्ड कॉस्ट, तो डरना नहीं है। डीम्ड कॉस्ट का मतलब फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू, जिसको बुक वैल्यू बोला जाता है, हमारी जो इच्छा है वो ले सकते हैं, लेकिन जिसको भी ले लिया उसको सब चीज के लिए लेना पड़ेगा। माने यहां पर ये पार्शियलिटी नहीं चलेगी कि हमने पीपीए लिया तो पीपीए के अंदर हमने सपोज एक पर्टिकुलर असेट में फेयर वैल्यू ले लिया, दूसरी असेट के अंदर कैरिंग वैल्यू ले लिया, नहीं, सारी असेट का या तो फेयर वैल्यू लेंगे या सारी असेट का कैरिंग वैल्यू, बराबर। सो इसके लिए यहां पर डीम्ड कॉस्ट वर्ड जब आए तो आप समझ जाना फेयर वैल्यू और कैरिंग वैल्यू, जिसको बुक वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ इट्स अप्लाई ओनली ऑन फर्स्ट लाइफ, बट डेफिनेटली क्योंकि फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ही हो रहा है तो फर्स्ट टाइम ही लाइफ में अप्लाई किया जाएगा, बराबर। नाउ सेकेंड पॉइंट आएगा फ्रेंड्स, सम स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज आ जाए, जैसे भी कंसोलिडेशन के ऊपर बहुत सारा आने वाला है, सो आपको बताना होगा कि कंसोलिडेशन में कैसे करेंगे। सो वो पर्टिकुलर केस को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर पॉइंट बनाए हैं, वो अराउंड मैंने 6-7 पॉइंट बनाए हैं जो पर्टिकुलर असेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो उसके अंदर एक आएगा बिजनेस कॉम्बिनेशन, राइट, विथ सीएफएस, इसको साथ में ही ले लेते हैं अपन, बिजनेस कॉम्बिनेशन विथ सीएफएस, जिसके अंदर इंडेक्स 103, 110, 111, 28 एंड 27। हालांकि 28, 27 के अलग से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, बट हम लोग एक टाइप का भी साथ में ले लेते हैं। तो इसके अंदर हम दो बना देंगे, एक इंडेक्स 103 एंड 110 के साथ में और दूसरा 111, 28 के साथ, ठीक है। सो इसके अंदर फर्दर दो हो गए, इसको थोड़ा मैं ए भी लिख देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी रहे, राइट। फिर सेकेंड केस पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंडेक्स 16 के केस में कैसे करना है, बराबर। थर्ड जो बहुत ज्यादा आ रहा है वो आ रहा है फॉरेक्स इफेक्ट इन फॉरेन एक्सचेंज, इंडेक्स 21, उन केस में कैसे करना है। कभी कभी इंडेक्स 21 विद पीपी आ जाता है, यानी ये टुगेदर आ जाते हैं, तो उस केस में हमको कैसे हमारी बैलेंस शीट को अडॉप्ट करना है, बराबर। फिर ई शॉप का केस आ जाएगा, जिसको हम शेयर बेस्ड पेमेंट भी बोलते हैं। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, इंडेक्स 109, 107 एंड 32, राइट। और शेयर बेस्ड पेमेंट में कौन सा है? इंडेक्स 102, ये स्पेसिफिक आइटम है, राइट। फिर सिक्स नंबर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ में शेयर बेस्ड पेमेंट, ये साथ में भी आ सकता है, प्लस 109, 102, 107 एंड 32, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हो गए, राइट। सो ऐसे ये स्पेसिफिक केसेस बना के हम दे सकते हैं, और भी केसेस आएंगे इसके अंदर, लेकिन ये सब आइटम जो है इनमें स्पेसिफिक रूल बताए गए हैं कि हम कैसे अडॉप्शन करेंगे, राइट। इनमें अपन और जगह छोड़कर रखते हैं, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो और मैं आपको बताऊंगा। थर्ड नंबर और बनाते हैं अपन, एक्चुअली में इसको ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया और अब ये थर्ड नंबर हो गया, वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आखिर करना क्या है, राइट। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है फ्रेंड, तो सिंपली वर्ड में मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, हमारा काम है हमको फर्स्ट टाइम इंडेक्स अप्लाई करना है, उसके लिए जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है उसको इंडेक्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आज से तो हम इंडेक्स अप्लाई कर लेंगे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट को रेक्टिफाई करके नई बैलेंस शीट बनाना वही हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पहले लिखा रहा हूं, बाद में इन सबका डिटेल लिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अकाउंट ट्रीटमेंट इज मेनली टू कन्वर्ट ओपनिंग बैलेंस शीट असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज पर इंडेक्स, ये हमारा मेजर काम है।
अब जब इंडेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा नफा नुकसान नहीं होने वाला है। हमारा क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर असेट्स को बोलेंगे, अभी सपोज हमने कोई असेट्स को से, अभी एग्जांपल के लिए हम लोग अगर लैंड परचेज करते हैं, सो लैंड को हम पीपी में दिखाते हैं, लेकिन यहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी करके है, अगर अपन लैंड फॉर इन्वेस्टमेंट करके परचेज करके कर रखा है तो हमारा काम क्या होगा, वो प्रेजेंटेशन पीपी से हटके कहां पहुंच जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, यानी पीपी में से माइनस कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी पहुंचा देंगे। सो वो कन्वर्ट एज पर इंडेक्स करना है, तो उसके लिए जो भी आइटम इधर उधर से जाएगा तो एंड में कहीं ना कहीं बैलेंस शीट के अंदर ही घूमने वाला है, और अगर कोई एक्स्ट्रा आइटम आ गया तो उसका अदर इफेक्ट हमारा अदर इक्विटी में आ जाएगा, बराबर। सो हमारा मेन क्या है, इज मेनली टू कन्वर्ट ओपनिंग बैलेंस शीट असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज पर इंडेक्स, राइट। ऑल्सो प्रेजेंटेशन शुड बी एज पर, बोलो, डिवीजन टू ऑफ शेड्यूल थ्री, याद है ना, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन होता है वो एच पर एएस होता है, तो डिवीजन वन ऑफ शेड्यूल थ्री का अकॉर्डिंग आता है, लेकिन यहां पर हमको डिवीजन टू ऑफ शेड्यूल थ्री अकॉर्डिंग करना है, जिसमें पहले, बोलो, पहले असेट्स आती है, राइट। नॉर्मली हम लोग लाइबिलिटी एंड इक्विटी पहले लिखते हैं, बट यहां पर पहले असेट्स आएंगे फिर बाद में लाइबिलिटी जाएगी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी जाएगी, राइट। सो वो डिवीजन टू के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से कन्वर्ट करना है, वो ही हमारा अकाउंट ट्रीटमेंट है। अब आपको फॉर्मेट पता है डेफिनेटली शेड्यूल टू का, हालांकि हम सम करेंगे उसके अंदर आएगा भी। अब मेन आपको फोकस किस चीज पे आएगा क्वेश्चन, जो चार मार्क्स का या आठ मार्क्स तक के क्वेश्चन जो आ सकते हैं, वो पूछेंगे आपसे इन सब आइटम्स के बारे में। आपको बताना है कि असेट्स को हमको कैसे रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, क्या हमको रेस्टर पे इफेक्ट लाना है या हमको आईसे चेंज करना है, तो इन सब बातों पे आप सबको क्वेश्चन पूछेंगे। कौन कौन सी बातों पे, ये जो असेट्स लाइबिलिटी के मैंने आपको नाम लिखे, बिजनेस कॉम्बिनेशन और सीएफएस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पीपी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन सब के मैं आपको एक रूल लिखा रहा हूँ छोटे छोटे, जिससे आपको ये पता रहेगा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबल है इंडेक्स। वो बोलता है कि आप, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ बर्डन नहीं बनाना है हमको, वो बोलता है हम अपने हिसाब से इसका आउटपुट लेंगे, इसका बेनिफिट लेंगे, ये अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए है, ना कि हमको जबरदस्ती अपने आप को बर्डन में डालना है, राइट। सो अब इन सारे आइटम्स का हम डिस्कशन कर लेते हैं, हमारा जो मेन पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, बाकी के दिया तो बहुत कुछ है फ्रेंड्स इस इंडेक्स में, आप अगर देखोगे तो बहुत सारे बड़े डिटेल में एनालिसिस करके दिया है, बट एग्जाम ओरिएंटेड और जो प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड हम इस बे में जाएंगे तो हम आराम से हमारे प्रैक्टिकल मार्क्स भी सिक्योर कर पाएंगे, और प्रैक्टिकल लाइफ में जाके इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई बैलेंस शीट को कन्वर्ट करना होगा तो वो भी कर पाएंगे, बराबर। लेट स्टार्ट डिस्कशन ऑफ ऑल दीज आइटम, स्टार्ट विथ, ये तो हो गए हमारे, बराबर, ये थ्री पॉइंट तो डन हो गए। नाउ सेकंड के अंदर सम स्पेसिफिक आइटम में बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड सीएफएस हम पहले ले लेते हैं, तो फ्रेंड्स मेक द हेडिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन पहला पार्ट, राइट, विथ सीएफएस, बराबर। इसके ऊपर अराउंड आपको सिक्स क्वेश्चन दिए हैं, वो सिक्स क्वेश्चन हम इसके इमीडिएटली बात करेंगे, राइट, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा, प्लस अभी तक हमने जो डिस्कस किया उनका भी आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे कई जगह पूछा है कि ट्रांजिशन डेट क्या होगा, कई जगह थोड़ा अप्लाई कब से अप्लाई करना है इंडेक्स, वो सब बेसिक बेसिक डिटेल मांगी है, तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हमारे इसके बाद में हो जाएंगे, राइट। इसको हम इंडेक्स 103 110 साथ में बोल सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स सिंपल वे में बिजनेस कॉम्बिनेशन सबको पता है क्या करते हैं हम लोग, ये पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हुआ करता था, राइट, जिसमें हम अमालगमेशन करते थे, तो वो क्या बोलते हैं कि अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस हुआ है, सपोज आज से 10 साल पहले आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन किया है, सो 10 साल पहले किया तो आज के दिन आपके बुक्स में जो भी रिकॉर्ड चल रहा है एसेट्स लायबिलिटीज का, तो आप 10 साल पुराने अगर गढ़े पड़ते उगाड़ना चाहो तो खड़ो, अदरवाइज आप आज के दिन से जो वैल्यू है वही तुम्हारी न्यू बैलेंस शीट में वैल्यू बन जाएगी, आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो कैसी है कि हम लोगों को ऑप्शन है कि हम रेस्टर पे एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं और हम लोग जो आज का कैरिंग वैल्यू है वो भी रख सकते हैं। हालांकि ये बोलता है इंडेक्स कि आपको सबके रेस्टर पे एक्स्ट्रा भी डालने चाहिए, लेकिन जिसका प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं है हम उसका कहां से रेस्टर पे इफेक्ट डाल दें यार। इसके लिए इन चीजों में ऑप्शन दिए हैं कि देखो आप रेस्टर पे एक्स्ट्रा ला सकते हो तो लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं ला सकते हो तो आप जो कैरिंग अमाउंट चल रही है उसी को ही रख सकते हो, राइट। सो यहां पर दो ऑप्शन अपन बना देते हैं, एक जो हमारी प्रीवियस
गैप का वैल्यू है रिमेन सेम और दूसरा हम उसको रीस्टेट कर सकते हैं। रीस्टेट मतलब हम लोगों को वापस से उसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। अब वापस वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर आप बिल्कुल मेहनत करना चाहते हो कि हम तो स्टार्टिंग से ढूंढ के लाएंगे और एज पर इंडियस करेंगे, तो हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाल सकते हैं। यानी जब बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ था, जब अमलगमेशन हुआ था, उस टाइम से अभी तक का पूरा वापस करो, एकदम मेहनत करो तकरीबन। या फिर यू कैन डिसाइड वन डेट। डेट कौन सी डिसाइड हो सकती है? जैसे एग्जांपल की मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मली अपन लोग 8 ईयर तक ही अपने अकाउंटिंग रखते हैं, तो अगर हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन 20 साल पहले किया था तो हमारे पास अकाउंटिंग ही नहीं, हम कहां से लाएं पुराना खोल के? तो बोलते हैं कोई बात नहीं, आपका जितना रिकॉर्ड अवेलेबल है वहां से करो। यानी कि हम लोग एक डिजायर डेट नक्की कर सकते हैं कि हम आज से इंडेक्स अप्लाई करें, आज से हम बिजनेस कॉम्बिनेशन का रेस्ट फैक्टर डालेंगे। यानी जरूर नहीं है कि स्टार्टिंग में लिया था जब ही करना है। आप सोच लो 5 साल पहले करना चाहो तो 5 साल पहले से कर सकते हैं। यानी आप या तो आज से करो, जैसे दिमाग लगाने जरूरत नहीं है, क्योंकि आराम से आज से करो, कोई तकलीफ नहीं है। बोलता है इंडेक्स, हाँ भाई अप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये सब क्या है, हमारे एक टाइप के एक्सेप्शन भी मैं दिए हैं जो इंडेक्स में दिए, बट मैं बोलता हूँ मेजर पार्ट यही है, बाकी के सबका तो रेस्ट्रिक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है कभी, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्ट हो ही नहीं सकते हैं, बिगनिंग से उनकी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। इसके लिए आप लोगों को ये जो ऑप्शन दिया है उसने इनडायरेक्टली, ये ऑप्शन उन्हीं आइटम के लिए है जिसमें रेस्ट्रिक्टिव इफेक्ट पॉसिबल हो सकता है, राइट। बाकी का तो सबका कोई डिटेल ही नहीं, क्योंकि आप सपोज बिल्स रिसीवेबल हैं हमारे, ट्रेड रिसीवेबल हैं, ट्रेड पेएबल है, उनका क्या रेस्ट्रिक्टिव इफेक्ट डालोगे? भी पहले हमने जो किया था वो कर लिया, क्योंकि कुछ एस्टिमेशन में भी चेंज हो सकता है, तो वो भी आप एक पॉइंट लिख दीजिए एस्टिमेशन। इसके ऊपर भी थोड़ा सा क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ, जहां पर हमने कुछ एस्टिमेशन को चेंज किया है उसमें क्या करना है, राइट। तो ओवरऑल बिजनेस कॉम्बिनेशन उन्होंने क्या बोला कि आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग वैल्यू रखना चाहो तो रखो, नो प्रॉब्लम, इट रिमेन सेम एज इट इज रखो, जो पहले वैल्यू चल रही है उसी वैल्यू को तुम रखो। दूसरा, आपको उसको अगर वापस रिवैल्यू करना है, रीस्टेट करना है तो करो, रेस्ट्रिक्ट इफेक्ट से कर सकते हो, और आपने कोई डेट फिक्स कर रखी है वहां से कर सकते हो। इंडेक्स बोलता है सब तुम्हारे लिए ओपन है, लेकिन आज से हम इंडेक्स कर पाएंगे। ओके, अब आप बोलोगे सर इसके चक्कर में तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा, जैसे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपने देखा होगा NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जिसको आप लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट पहले बोलते होंगे। अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो हम लोग नॉर्मली एज पर AS जब करते थे, AS 21 अगर आपको याद हो तो, 23 27, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली AS 21 में ही आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव हो जाता था तो हम उसको नहीं देते थे, नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं हो सकता था। लेकिन अगर इंडेस है तो इंडेस 110 बोलता है, 103 भी बिजनेस कॉम्बिनेशन में बोलता है कि भाई NCI भी नेगेटिव हो सकता है। So, इसका मतलब NCI नेगेटिव हो सकता है एज पर इंडेक्स, बट अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में अप्लाई कर रखा है कि हम तो प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, यानी जो पहले था वही हम कंटिन्यू रखेंगे, उसी की कैरिंग अमाउंट कंटिन्यू रखेंगे, वॉट एवर कैरिंग अमाउंट इज कमिंग और मे बी बुक वैल्यू जो अपनी बुक्स में दिखा रही है उसी बुक्स को हम एज इट इज रखेंगे, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप बाकी की एसेट्स लायबिलिटीज को एज इट इज रख दो और NCI को रिवाइज कर दो। नो, जब बिजनेस कॉम्बिनेशन को आपने कैरिंग वैल्यू पर रखने का बोला है तो वो स्पेशली बोलता है कि देखो भाई आपको प्रीवियस गैप का अकॉर्डिंग रखना अलाउ है तो आप उसी को रखो ना, फिर NCI के लिए कैसे चेंज कर सकते हो? तो आपको जब बोला गया है कि सब साथ में रखना है तो इकट्ठा ही रखना है, यानी सबके सब आपके प्रीवियस गैप के अकॉर्डिंग ही कैरी फॉरवर्ड होंगे, यानी कि कैरिंग अमाउंट जो आपकी बुक्स में दिख रही है वो ही तुम्हारी कैरी फॉरवर्ड होगी। ओके, यानी We don't have the option to NCI value at, suppose NCI negative है, तो negative NCI जब as per previous gap कर रहे होते हैं, as per AS कर रहे होते हैं, तो वो NCI holding के साथ adjust हो जाता है। अगर आपने उसको ही एज इट इज रखा है तो आप NCI को अलग से revise नहीं कर सकते, यानी NCI भी आपको पहले जैसे अपने maintain कर रखा है वैसा ही अभी रखना पड़ेगा, आगे से हम उसका definitely revise कर सकते हैं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए आपने जब करिंग अमाउंट रखा है तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के जैसे बाकी के एसेट्स लायबिलिटी का करिंग अमाउंट है वैसे ही NCI का भी करिंग अमाउंट ही लेना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव बना के आप NCI दिखा दो, या तो तुम सबको रीस्टेट करो या
या किसी को मत कर. ओके, सो दिस इज अ सिस्टम फॉर योर बिजनेस कॉम्बिनेशन. आई होप ये क्लियर. अब मैं आपको सम ले रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. इसके ऊपर आपको मैंने बोला ना 6 क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए हैं, बट फिर भी एक दो क्वेश्चन और भी हैं बेसिक वाले, वो भी हम साथ में ले लेते हैं. फिर हर एक पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, राइट. बाद में आपको इसके नोट्स भी रीड करवाऊंगा, जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो नोट्स भी आपको दिखा देंगे. हालांकि नोट्स सामने ही ला सकता हूं मैं डायरेक्टली, बट मेरी इच्छा है कि ये जो नोट्स हैं वो आप सामने देखो, जब मैं लिखूं तब आपको ज़्यादा समझेगा कंपेयर टू खाली रीड करने से, राइट. सो लेट्स डू द क्वेश्चन. क्वेश्चन जो है, जो मनोज के एफआर बुक है फ्रेंड्स, ये भी आपका पता है ना मॉड्यूल की कॉपी है. अभी आपने मॉड्यूल देखा है, ये मनोज के एफआर बुक है चैप्टर 6, राइट. सो ये सेम का सेम कॉपी है, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से लिए हैं, आपको स्क्रीनशॉट लिया है. तो क्वेश्चन वही हैं जो मॉड्यूल में दिए हैं, बट खाली क्वेश्चन इकट्ठे एक जगह आ गए हैं. इसी को मनोज के एफआर बुक बोल देते हैं, राइट. इसलिए मैं इसको कंपाइल बोलता हूँ, ना कि बुक बनाया है. कंपाइल बाय सी ए मनोज गुप्ता, राइट. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन वन देख रहे हैं. अपन को अभी सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस के साथ में नया कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको डिस्कस भी करना है, राइट. जिससे वो अपने वो हेडिंग लिख रहे थे ना, मेन मेन पॉइंट जहाँ पे आ रहे हैं उन सब पॉइंट को डिस्कस भी करना है. बट अभी जो पॉइंट आए हैं जितना डिस्कस हो चुका है उतना तक हम क्वेश्चन कर लेते हैं. कंपनी बी इज फॉरन सब्सिडरी ऑफ कंपनी ए एंड हैज अडॉप्टेड IFRS एज इशूड बाय IASB, ओके, एज इट्स प्राइमरी गैप फॉर इट्स लोकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज. कंपनी बी प्रिपेयर्ड इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिक अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. मैंने एस के अकॉर्डिंग चल रहे थे वो, विथ रूल 7 और सब लिखा हुआ है, राइट. फॉर पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ कंपनी ए टू इंडिया एस, वॉट वुड बी द प्रीवियस गैप ऑफ फॉरन सब्सिडी कंपनी बी फॉर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर कंसोलिडेशन विद कंपनी ए, बराबर. सो ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ कंपनी ए टू इंडिया एस, वॉट वुड बी द प्रीवियस गैप ऑफ द फॉरन सब्सिडी कंपनी बी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर फॉर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ ऐसा क्लियर बोल नहीं रहा है कि इसको चाहिए कि ट्रांजेक्शन डेट चाहिए कि क्या चाहिए, बट स्टिल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब सब्सिडी कंपनी है वो एज पर एस बना रही है, जब कंसोलिडेशन बनाएंगे तो पेरेंट कंपनी ने जब एज पर इंडेस बनाया है तो सब्सिडी का भी एज पर इंडेस ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर. क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने के लिए भी जब हम कंसोलिडेट करेंगे तब सब्सिडी कंपनी भी एज पर इंडेस ही होना चाहिए, ये रूल है, राइट. सो अब इंडेस अगर पेरेंट कंपनी ने अप्लाई करना चालू कर दिया है तो सब्सिडी का भी इंडेस ही अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर. सो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी के हैं सब्सिडी कंपनी के, उनको भी एज पर इंडेस बनाना पड़ेगा, राइट. बाकी ये प्रॉपर हमको 3 स्टेप में आंसर लिखना है, उसके लिए थोड़ा क्वेश्चन आने दीजिए तब मैं आपको बताता हूँ 3 स्टेप में कैसे आंसर लिखना है. क्योंकि एग्जाम हॉल में जब हम जाएंगे तो चाहे इंडेस 101 का क्वेश्चन आए चाहे किसी और इंडेस का क्वेश्चन आए, 3 स्टेप में आंसर लिखना है, वो हम 3 स्टेप में लिखेंगे, राइट. नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन 2. ई लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू फर्स्ट टाइम अडॉप्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओके, फ्रॉम अप्रैल 1, 2011. ओके, द मैनेजमेंट ऑफ ई लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंडेस एंड एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद इंडेस हैज बीन गिवन बाय द मैनेजमेंट. हाउएवर द देयर इज अ disagreement on application of one Ind AS between the management and the auditor, can such financial statement of E Limited be treated as first Ind AS financial statement? No friends. ये क्या बोलना चाहते हैं कि management में auditor में एक Ind AS पे लेकर कुछ disagreement चल रहा है कि भाई ऐसा नहीं करेंगे, या हो सकता है एक Ind AS को apply ना कर रहे हो वो लोग. तो friends ऐसा नहीं हो सकता. मैंने बोला ना first time adoption of Ind AS मतलब सारे Ind AS apply होने चाहिए. नो कंडीशन के वो एक इंडेस होगा एक इंडेस नहीं होगा, वो नहीं चलेगा. मैं आपको वो भी एक पॉइंट लिखवा देता हूं कि ऑल इंडेस शुड बी अप्लाई, राइट. लिखा ना इट्स एप्लीकेबल ओनली वंस इन अ लाइफ. और फोर क्या लिखेंगे, ऑल इंडेस मस्ट बी अप्लाई, ठीक है. एक को नहीं छोड़ सकते, ऐसा नहीं चलेगा. तो उसको भी हम नो बोलेंगे कि नहीं भी ऐसा अलाउ नहीं है, उनको
डिस्प्यूट को खत्म करके सारे इंडेस ही अप्लाई करना है, राइट। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट इंडेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2011, इंडेस 1 अप्रैल 2011 से अप्लाई करना है विथ कंपेरेटिव ऑफ फॉर वन ईयर दैट इज फ्रॉम 2010-11, वेरी गुड। व्हाट विल बी द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो क्लियर फ्रेंड, मैंने आपको था ना 1/4/11 से वो अप्लाई कर रहा है, मतलब 1/4/11 से तो उसका डायरेक्टली अप्लाई होना चालू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट का जो फर्स्ट डेट है वो ही डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो बताइए कौन सा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा। वेरी नाइस, 1/4/2010 इज द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, इज क्लियर। मतलब हम जब बैलेंस शीट बना रहे हैं वो जो हमने जब से अप्लाई किया उसकी ओपनिंग बैलेंस शीट जो है उसका डेट, ओपनिंग बैलेंस शीट का फर्स्ट डेट इज द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, राइट। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन 4, एक्स लिमिटेड वॉज यूजिंग कॉस्ट मॉडल फॉर इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओके, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है वो, अच्छी बात है। टिल 31 मार्च 2011 अंडर प्रीवियस गैप ऑन 1 अप्रैल 2010 दैट इज द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, परफेक्ट। माने 31 मार्च 2011 और जो 1 अप्रैल 2010 इज द योर इट्स ट्रांजेक्शन डेट टू इट्स इंडेक्स, इट यूज फेयर वैल्यू एज द डीम्ड कॉस्ट, परफेक्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, डीम कॉस्ट मैंने आपको बताया ना, डीम कॉस्ट मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट कोई भी यूज कर सकते हैं, तो डीम कॉस्ट मतलब वो उसने यूज किया है फेयर वैल्यू, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, माने पहले वो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही थी और अब उसने कन्वर्ट करने में फेयर वैल्यू मेजर यूज किया है जिसको डीम्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। Whether it will amount of change in accounting policy, तो friends एकदम क्लियर लिखा हुआ था कि change in accounting policy ये नहीं माना जाता है, क्यों, क्योंकि change in accounting policy मतलब existing accounting policy में हम कुछ change कर रहे हैं, क्योंकि तो first time adoption इंडिया कर रहे हैं, उसने cost model follow कर रखा था, हमने fair value लिया है, तो fair value measure करना is not any change in accounting policy, right? So ये fair value measure हमने इंडेक्स के अकॉर्डिंग अप्लाई करना अलाउ किया अंडर डीम्ड कॉस्ट, जिसमें हम दोनों कॉस्ट में से कोई भी कॉस्ट ले सकते हैं, फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट को बुक वैल्यू भी बोलते हैं, राइट, सो नो प्रॉब्लम। चलिए नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन 5 जो है वो हमारा जो हमने अभी किए हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन उसके ऊपर है, 5 से लेके आगे 10 क्वेश्चन, राइट। सो लेट्स डू, ये जो था वो बेसिक था जो अपन अभी तक कर चुके हैं, डीम्ड कॉस्ट का मतलब आपको पता है, ट्रांजिशन डेट का मतलब आपको पता है, राइट, ऐसे ही ये दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 5, एंड सेम इलस्ट्रेशन आपके मॉड्यूल में है फ्रेंड्स, ये खाली मैंने इलस्ट्रेशन उठा के यहाँ पर इकट्ठे किए हैं, अदरवाइज सेम है, राइट। यहाँ से हम प्रॉपर आंसर लिखेंगे, जैसे हम स्टेप 1, 2, 3 में कैसे इंडेक्स के आंसर लिखते हैं, राइट। ए लिमिटेड एक्वायर बी लिमिटेड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन ट्रांजेक्शन, ओके, तो ए कौन है, पेरेंट कंपनी, इन्हें एक्वायर किया ना, और बी कौन है, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। ए लिमिटेड एग्री टू पे सर्टेन कंटिजेंट कंसिडरेशन लाइबिलिटीज क्लासिफाइड, ओके, टू बी लिमिटेड, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन हमने सीखा हुआ है कि कुछ कंटिजेंट कंसिडरेशन भी हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग के बेस पर हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं कंटिजेंट कंसिडरेशन को, जो कि बाद में मिलेगा, ठीक है। एज पार्ट ऑफ इट इन्वेस्टमेंट इन ए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए लिमिटेड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द सेट कंटिजेंट कंसिडरेशन सिंस इट वॉज नॉट कंसिडर प्रोबेबल, ओके, माने ये बोलता है कि वो प्रॉबेबल नहीं लग रहा था इसलिए उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया, वही हमारा इंडेक्स 103 बोलता है कि भाई बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि कंटिजेंट कंसिडरेशन कब रिकॉर्ड किया जाता है, जब हम उसकी प्रॉबिलिटी हो मिलने की, तो ही उसको कंटिजेंट कंसिडरेशन रिकॉर्ड करना चाहिए। ए लिमिटेड कंसिडर द प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज इट्स डीम्ड कॉस्ट ऑन फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, ओके, सो डीम्ड कॉस्ट उसने क्या मांगा है, कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट मतलब कौन सा होता है, जो बुक्स में रिकॉर्ड है, बुक वैल्यू बोलते हैं जिसको, राइट। सो डीम्ड कॉस्ट वो इस बार किसको मान रहे हैं, कैरिंग कॉस्ट को, कैरिंग कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू, जैसे ऊपर वाले में डीम्ड कॉस्ट क्या माना उसने, फेयर वैल्यू, यहां पर उसने फेयर वैल्यू माना, यहां पर वो क्या मांगना चाह रहा है, इसकी कैरिंग अमाउंट जो है उसको डीम्ड कॉस्ट मानना चाह रहा है, किसी को भी लिया जा सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इन दैट केस डज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर टू बी एडजस्टेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन, माने जो हमारे बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या उसको हमको रीस्टेट करने की जरूरत है, क्या हमको उसको एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, अभी जब आप बोल रहे हो कि कैरिंग अमाउंट पे रखना है तो उसके बाद रिमेजर करने का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, राइट, तो आप बोल सकते हैं कि जब हमने नक्की कर लिया कि विल कीप एंड कैरिंग अमाउंट, तो इन्वेस्टमेंट को रिमेजर कैसे कर सकते हैं, सो इसका मतलब यहाँ पर रिमेजर नहीं हो सकता है, क्योंकि
अभी अभी हमने बात किया कि बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलता है या तो आप सबको रेस्टोर फैक्ट से लो, नो प्रॉब्लम, सबको रीस्टेट करो, सबको रीमेजर करो, और यू कैन कंटिन्यू विद द करिंग अमाउंट, बट यू डोंट हैव ऑप्शन कि कुछ को कर लो कुछ को मत करो, बराबर। तो इन्वेस्टमेंट को हम नहीं कर सकते हैं, इवन अगर एनसीआई होता तो उसको भी नहीं करते, एनसीआई को भी हम प्रीवियस पे ही रखते। लेकिन यहां पर आपको जो समझने की जरूरत है वो ये कि आंसर कैसे लिखना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमको पूरे में से पूरे मार्क्स उठाने हैं, उसके लिए हमको तीन स्टेप में आंसर लिखना है। कैसे लिखना है तो मैं आपको एक बार राइटिंग करवा रहा हूं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, राइट, कि कैसे एग्जाम में लिखना है। ये क्वेश्चन 5 को राइट कर रहे हैं अपन, जो कि पेज नंबर 62 पर है, ठीक है। क्वेश्चन 5 का आंसर लिखिए, 63 पेज नंबर पर। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 पेज 63 आप मॉड्यूल में डायरेक्टली देख सकते हो, मॉड्यूल में जो पेज नंबर है वही आप लिख सकते हो, राइट। सबसे पहले स्टेप 1 लिखना है, क्या लिखेंगे, एच पर इंडेक्स 101 फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेक्स सेइंग दैट, व्हाट दे सेइंग दैट इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन ब्रैकेट में इंडेक्स 103 we can continue with previous gap carrying value for all assets and liabilities। इन सब के फुल फॉर्म लिखने हैं आपको, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है। बीसी बिजनेस कॉम्बिनेशन को पूरा लिखना है, assets liabilities को AL नहीं लिखना है, assets liability लिखना है, राइट, पूरा लिखना है। कैरिंग वैल्यू फॉर All assets and liabilities, right? Or we can restate these value from retrospective effect or some specific date. We have option. हम चाहें तो रेट्रोस्पेक्टिव डाल सकते हैं या फिर स्ट्रेट डेट से डाल सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, राइट। नाउ इन द प्रेजेंट केस कंपनी हेड मेड, क्या किया है कंपनी ने, डीम्ड कॉस्ट ऑप्शन ऑप्ट किया है, वेयर दे वैल्यू एट कैरिंग अमाउंट, और यू कैन से दे रिकॉर्ड एट कैरिंग अमाउंट, राइट। तो वो कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने एसेट लायबिलिटीज को, बट इन्वेस्टमेंट दे वांट टू रीस्टेट, जो कि अलाउ नहीं है, राइट। नेक्स्ट स्टेप 3 हो जाएगा, देयरफॉर एच पर इंडेक्स 101 इट्स नॉट अलाउ टू रिस्टेट सम पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन ईदर we can do for all or we should take fully opt out from restate, right। माने restate हमको करना ही नहीं है, या तो सबको restate करना है, यानी कि या तो हमको सबको from retrospective डालना है, या फिर हमको सबको fair value या carrying amount जो है उस पर लेना है, right। तो फ्रेंड्स ऐसे लिखने से आपका अराउंड एक आधा पेज, और आप बोल सकते हो 1/4 पेज, 2/3 पेज अराउंड भर जाएगा, और आपका एक आंसर भी सिस्टमेटिक हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिखने का ट्राई किया, आप थोड़ा सा इसको लाइब्रेरी भी कर सकते हो, ओके। सो दिस इज आंसर वी हैव टू राइट इन द एग्जाम, ऑल्सो राइट इन आंसर टू क्वेश्चन नंबर दिस इन टॉप। याद रखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इफेक्ट आता है, और अपन जब स्टेप बाई लिखेंगे तो एग्जामर को भी
थोड़ा एरिया मिलेगा मार्क्स देने के लिए और आप उस चीज को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट लॉसेस टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बिल्कुल बराबर बात है, इंडिया तो बोलता है कि भाई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को लॉस है तो वो भी दो, ऐसा हमने सीखा हुआ है इंडिया 110 में, विच मे अल्टीमेटली लीड टू बी डेबिट बैलेंस इन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, इवन इफ देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट विद द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर टू कंट्रीब्यूट असेट्स टू द कंपनी टू फंड द लॉसेस, ओके, वेदर दिस एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड और परमिट टू मेड रेट्रोस्पेक्टिवली। देखो बात आती है कि यहाँ क्या बोलना चाहता है कि क्या इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव डाल सकते हैं, तो वापस से हमारे बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात आ जाती है कि आपको अगर इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालना है तो आप डाल सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि अकेला एनसीआई को डाल दिया। हाँ, अगर एनसीआई में बिजनेस कॉम्बिनेशन लेने के बाद कुछ चेंज हुआ है तो वो हम इफेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एनसीआई अकेले में इफेक्ट नहीं डाल सकते। ये बोल के कि हम एनसीआई अकेले में इसका पर्टिकुलर इफेक्ट डाल देते हैं और बाकी के सब एसेट लेवरेज को कैरिंग अमाउंट पर रखते हैं। मैंने आपको भी बताया कि बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलता है कि या तो आप सबको रजिस्टर्ड करो या फिर किसी को रजिस्टर्ड मत करो, सबको हम कैरिंग अमाउंट पे ही रखते हैं, जो डीम्ड कॉस्ट है वो हम अकॉर्डिंगली मान लेंगे, कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू वो हमारे ऊपर है, लेकिन रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग से उसको रजिस्टर्ड पे इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है एज पर इंडियस और हम करने जाए, लेकिन आपकी इच्छा है करने की तो सबके लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक के लिए करोगे एक के लिए नहीं करोगे ऐसा नहीं चलेगा, बराबर। तो इसका आंसर भी आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक लिखना है कि अगर हमने पहले से सारे असेट्स लायबिलिटीज को और सारे बिजनेस कॉम्बिनेशन के ट्रांजेक्शन को रिस्टेट किया है फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो हम एनसीआई को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं किया है तो एनसीआई को भी नहीं कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। सो ऐसे करके हमारा एनसीआई का कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया है जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, A limited had made a certain investment in B limited, okay, convertible debt instrument. तो A ने B के यहाँ invest किया है convertible debt instrument में, ठीक है। The conversion right are substantial right and would provide A limited with controlling stake over B limited. Very nice. माने ये substantial right है, उसके वजह से मतलब आपने सीखा होगा बिजनेस कॉम्बिनेशन में और सीएफएस में कि अगर हमारे पास सब्सटेंशियल शेयर हैं उनको भी हम कंट्रोल करने के लिए ले सकते हैं। सब्सटेंशियल से मतलब होता है वो शेयर हमको जो बाद में मिलने वाले हैं, जिनको हमारा रीजनेबल सर्टेनिटी है कि हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो ऐसे शेयर को भी हम कंट्रोल के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। वुड प्रोवाइड ए लिमिटेड विद द कंट्रोलिंग स्टेक ओवर बी लिमिटेड, यानी कि अगर इस सब्सटेंशियल शेयर को हम कंसिडर कर लें तो ए लिमिटेड पेरेंट कंपनी बन जाएगा और बी लिमिटेड सब्सिडी कंपनी बन जाएगा, लेकिन अगर ये सब्सटेंशियल शेयर को कंसीडर करें तो, जो कि अभी तक इशू हुए नहीं है, राइट। ए लिमिटेड हैज रिवैल्यूड द बी लिमिटेड वुड बी ट्रीटेड एज इट्स सब्सिडी अंडर इंडियस एंड हेंस वुड रिक्वायर कंसोलिडेटेड इन इट्स इंडियस कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है, यानी अगर वो उसकी सब्सिडी बन गई तो उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा और कंसोलिडेट करने के हिसाब से उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बी लिमिटेड वाज नॉट कंसीडर एज सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर अंडर प्रीवियस गैप, माने पहले बी नॉट कंसीडरेड नीदर सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, मींस द कंपनी प्रीवियसली नीदर जॉइंट वेंचर नीदर सब्सिडरी नॉर एसोसिएट एनीथिंग, वी डोंट हैव एनी रिलेशन एज पर प्रीवियस गैप, क्योंकि प्रीवियस गैप जो होता था वो सब्सटेंशियल राइट को कंसिडर नहीं करता था, ठीक है। हाउ शुड बी लिमिटेड बी कंसोलिडेट ऑन ट्रांजेक्शन टू इट्स टू इंडियस अज्यूमिंग दैट ए लिमिटेड हैज अपडेट टू अवेल द एग्जेम्पशन फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव रिस्टेटमेंट ऑफ पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन, माने टू अवेल द एग्जेम्पशन हैज opted, माने they had taken the exemption from the retrospective effect, means as I say told you at beginning that balance sheet each and every item we have to do retrospective effect,
बट ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है कि हर चीज को रेस्ट ऑफ एक्सेस से लेके आओ। इसलिए उन्होंने बोला है कि हमने ऑप्शन दिया है कि आप चाहो तो रेस्ट ऑफ एक्सेस, नहीं करोगे तो अभी चलेगा। तो ये भाई साहब ने भी क्या बोला है, हैज ऑप्टेन टू अवेल द एक्सेप्शन फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिव रिस्टेटमेंट ऑफ पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन। माने इसने मना किया है कि हम बिजनेस कॉम्बिनेशन को बिगिनिंग से नहीं बदल रहे, यानी हम लोग आज के दिन की कैरिंग अमाउंट यूज करेंगे ना कि फ्यूचर की। ऐसा उसने अपन को ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है, ऑप्शन ऑप्टेन कर लिया है, ऐसा बोला है, क्योंकि वो एक्सेप्शन है वो ऑप्टेन करना पड़ता है। यानी हम लोग चाहते हैं कि प्रीवियस गैप को स्टार्टिंग से यूज ना करें तो हमारे पास ऑप्शन है, राइट, तो उसने ऑप्टेन किया है। तो फ्रेंड्स अभी ये जो बात आई है वो कैसी हो गई कि पहले हम सब्सिडी कुछ थे ही नहीं और अब हम सब्सिडी बन गए एज पर इंडियस। तो ये जो एक्सेप्शन है वो हम ले सकते हैं कि भाई हम प्रीवियस पे रखना चाहते हैं, लेकिन यहां तो पूरी कंडीशन ही बदल गई यार। तो कैसा है कि आप जरा प्रैक्टिकल सोच के देखो कि हम पहले सब्सिडी नहीं थे बट इंडिया से अप्लाई किया तो सब्सिडी बन गए, तो क्या इसमें एक्सेप्शन मिल सकता है हमारे लिए कि हम नहीं करेंगे तो चलेगा रेस्ट ऑफ इफेक्ट से? बोलते नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यानी जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है उसने बोला है कि हाँ हम बोलते हैं आपको कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो कि भाई आपको रेस्ट ऑफ इफेक्ट में नहीं जाना, कोई बात नहीं, आप आज के दिन से वैल्यू चालू करो, वी हैव नो प्रॉब्लम। बट अगर ऐसा चक्कर पड़ जाए कि हमारा जो आप बोल सकते हैं कि स्टेटस है वो ही चेंज हो जाए, यानी जो क्लासिफिकेशन है वो ही चेंज हो जाए, जो उन्होंने वर्ड यूज किया वो क्लासिफिकेशन वर्ड यूज किया है, तो अगर क्लासिफिकेशन ही बदल जाए कि हम पहले सब्सिडी नहीं थे और अब सब्सिडी बन गए हैं, तो उस केस में ये ऑप्शन जो ऑप्ट आउट उन्होंने किया है, ऑप्शन जो एक्सरसाइज किया है उन्होंने कि हम रेस्ट्रिक्ट इफेक्ट्स नहीं डालेंगे, हम आज के दिन से ही वैल्यू लेंगे, वो नहीं मिलेगा। इसके लिए अगर क्लासिफिकेशन चेंज हो गया है, यानी हमारी कंपनी जो है वो सब्सिडी कंपनी बन गई, अभी पहले नहीं थी एज पर एस और एज पर प्रीवियस के, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इंडियस 101 बोलता है कि अगर इनका क्लासिफिकेशन चेंज हो गया है, अभी ये सब्सिडी बन गई है, या पहले सब्सिडी थी अभी सब्सिडी नहीं रही, वाइस वर्सा केस, कोई भी केस हो सकता है, तो उस केस में क्लासिफिकेशन यानी कि ऑप्शन जो है आप बोल सकते हो कि एग्जम्पशन लेने का रेस्ट ऑफ एक्स से, क्योंकि सारे रेस्ट ऑफ एक्स से डालना है, मैंने आपको बता स्टार्टिंग से चारे चेंज करना है, लेकिन ये सारे आइटम अगर आप हम रेस्ट ऑफ एक्स से चेंज कर सकते हैं तो मैं ऑप्शन दे दिए कि आप चाहो तो नहीं करोगे तो अभी चलेगा। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आप पहले सब्सिडी नहीं थे और अब सब्सिडी बन गए हैं, तो आपका क्लासिफिकेशन बदल गया है, इस केस में आप ये ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम बोलेंगे यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन करना अलाउ नहीं है, सो इट्स नॉट अलाउ। रीजन कि हम लोग अब सब्सिडी बन गए हैं, अगर इंडिया के अकॉर्डिंग आएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब्सिडी बन गए हम बोले नहीं हम तो प्रीवियस गैप ही रखेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको कैरिंग अमाउंट नहीं रख सकते हैं, अभी आपको सारा जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का एज पर इंडियस 103 एंड एज पर इंडियस 110 रूल होता है वो आपको करना है, बाकायदा गुडविल कैपिटल निकालना है, और गुडविल कैपिटल निकालने के लिए आपको ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन तुम्हारा जो भी नेट असेट्स है वो लेना पड़ेगा, और उस दिन तुमने जो भी पैसा दिया उसके कंपेयर करके आपको डिफरेंसेस गुडविल कैपिटल निकालना पड़ेगा, जैसा हम बिजनेस कॉम्बिनेशन के स्टेप 3 में करते हैं, राइट, डिफरेंस बिटवीन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, दैट इज व्हाटएवर परचेस कंसीडरेशन व्हाटएवर नेट असेट्स वी रिसीव, उसके कंपेयर करके हमको देखना पड़ेगा और गुडविल कैपिटल हमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब उसको रिक्लासीफाइड कर रहे हैं तो भी हमारी वो सब्सिडी बन चुकी है, हमारा क्लासिफिकेशन बदल चुका है, पहले हम सब्सिडी नहीं थे, यानी अभी हम पेरेंट कंपनी बन चुके हैं और बी जो है वो सब्सिडी कंपनी बन चुकी है। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इट इज नॉट अलाउड टू ऑब्टेन द अवेल द एग्जेम्पशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इफेक्ट इफेक्ट, यहाँ पे हमको रेस्ट ऑफ इफेक्ट इफेक्ट लेना ही पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी, राइट। सो एक एक्सेप्शन क्या हो गया कि जहां पर क्लासिफिकेशन बदल गया वहां पर हम रेस्ट ऑफ इफेक्ट इफेक्ट नहीं ले सकते, तो वो भी आप एक नोट लगा दीजिए, कहाँ पे नोट लगाएंगे, जहां पर ने इसके लिखना चालू किया था, राइट, नोट क्या लिखेंगे, इफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटिटी फ्रॉम सब्सिडी टू एसोसिएट और वाइस वर्सा, देन ऑप्शन फॉर
एग्जेम्पशन, बराबर, ऑप्शन फॉर एग्जेम्पशन इज नॉट अलाउड. वी हैव टू इफेक्ट फ्रॉम रेस्ट्रिक्टेड, राइट. बिगनिंग से ही हमको चेंज करना पड़ेगा, हमारे पास चांस नहीं है कि हम उसको एज इट इज रखें, ठीक है. सो ये वो वाला केस हो गया है जहां पर उसने क्लियर बोल दिया है कि भाई हम हमारा सब्सिडी हो गए हैं, हम अभी एज पर इंडेस, तो हम नहीं कर सकते हैं जो एक्सेप्शन है, या एक्सेप्शन बोलो या आप बोलो कि हम लोग उनको कैरिंग अमाउंट पर रखना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते, राइट. आगे आते हैं. ए लिमिटेड है जो सब्सिडी इन बी लिमिटेड, ठीक है, मतलब ये तो पहले से ही सब्सिडी है. आई होप कि क्लियर हो गया आपका वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस कॉम्बिनेशन की ही बात चल रही है. आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ही मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रहा हूँ, जहाँ पर एक एक्सप्लेन भी आ गया कि अगर हमारा क्लासिफिकेशन बदल गया है, पहले हम सब्सिडी थे अभी सब्सिडी नहीं रहे, या पहले हम सब्सिडी नहीं थे अब सब्सिडी बन गए हैं, तो हम लोग रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालेंगे. हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि आज के दिन से वैल्यू करना, क्योंकि ये जो इंडिया है वो बोलता है कि भाई अच्छी बात है आप आज के दिन से वैल्यू रखो, मेरे को दिमाग नहीं लगाना, आज से तुम इंडिया से अप्लाई करो. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा बेस ही बदल जाए. जैसे पहले हम सब्सिडी नहीं थे अब सब्सिडी बन गए हैं, तो डेफिनेटली हमको रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया से अप्लाई करने जा रहे हैं यार, अच्छा इफेक्ट तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है. ओके, यहां देखते हैं. लिमिटेड हैज सब्सिडी इन बी लिमिटेड ऑन फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडिया बाय बी लिमिटेड, इट्स अवेल द ऑप्शनल एग्जेम्पशन ऑफ नॉट रिस्टेटेड इट्स पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन. ओके, सो यहां पे भी इसने कौन सा ऑप्शन किया है कि हम रिस्टेट नहीं करेंगे हमारे पुराने बिजनेस कॉम्बिनेशन को, एज इट इज रखेंगे, यानी हम लोग डीम्ड कॉस्ट के बेस पर रखेंगे, या तो करेंगे अमाउंट या फेयर वैल्यू उसके हिसाब से रखेंगे. हाउएवर ए लिमिटेड इन इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज डिसाइडेड टू रिस्टेट ऑल इट्स पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन. मतलब उसने सीएफएस में क्या किया, बोले मैं तो सबको रिस्टेट करूंगा. वेदर द अमाउंट रिकॉर्डेड बाय द सब्सिडरी नीड टू बी adjusted while preparing the consolidated financial statement of A Limited, considering that A Limited does not avail the business combination exemption. माने A ने business combination के exemption avail नहीं की है. Will the answer different if the A Limited adopt Ind AS after B Limited? माने पहले B Limited ने Ind AS apply कर रखे थे, उसके बाद AS ने जो parent company है उसने Ind AS apply किए हैं, तो क्या उसका आंसर बदल जाएगा. तो बोलने का मतलब फ्रेंड्स इतना ही है कि दे वांट टू जस्ट एक्सप्लेन कि जब पेरेंट सब्सिडी कंपनी ये ऑप्शन ऑप्ट आउट कर रही है कि हम लोग वैल्यू एट कैरिंग रखेंगे और बिजनेस कॉम्बिनेशन को बदलेंगे नहीं, तो क्या पेरेंट को भी ऑप्शन है कि वो नहीं करे, तो इसके लिए आपको आंसर देना है, राइट. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर पेरेंट कंपनी चाहती है कि हमको जो एग्जेम्पशन है, जो रेस्ट्रोस्पेक्टिव हमको नहीं लेना चाहिए, उसको हम नहीं ऑप्टेन करना चाहते, हम तो रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही लेंगे, तो क्या कर सकती है. तो फ्रेंड्स होल्डिंग कंपनी जो है पेरेंट कंपनी, अगर वो ऑल क्लियर करती है, ए लिमिटेड की जितनी भी पेरेंट सब्सिडी कंपनी है, सब्सिडी ऑल, अगर वो सेम कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है तो डेफिनेटली कर सकती है. क्योंकि देखो सब्सिडी कंपनी इंडिविजुअली अपने आप में अलग है. सब्सिडी कंपनी इंडिविजुअली बोलती है कि मैंने रेस्ट्रोस्पेक्टिव नहीं डालना है, बराबर, मेरे को ऑप्शन एग्जेम्पशन ऑफ नॉट रेस्ट्रोस्पेक्टिव पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन मैंने अवेल कर लिया है, मेरे को ऐसे ही मेरा इफेक्ट डालना है. लेकिन पेरेंट कंपनी अगर चाहे तो सारे सब्सिडी जितनी भी हैं उसकी सबकी एक ही कंडीशन लेनी पड़ेगी उसको बस, लेकिन सारे के सारे एक जैसे करने पड़ेंगे. मैंने सारे के या तो हम एग्जेम्पशन ऑप्टेन कर लें कि भाई हमको रेस्ट्रोस्पेक्ट नहीं डालना है, या फिर सारे के सारे रेस्ट्रोस्पेक्ट डालेंगे, तो ए लिमिटेड ऐसा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, बराबर. सो हम बोल सकते हैं यस. अब विल योर आंसर डिफरेंट इफ ए लिमिटेड अडॉप्ट इंड एस आफ्टर द बी लिमिटेड. माने सब्सिडी कंपनी ने बी लिमिटेड ने इंड एस पहले अप्लाई कर लिए. अब फ्रेंड्स आपके सामने है, अगर सब्सिडी ने इंड एस पहले अप्लाई कर लिए हैं, तो इसका मतलब सब्सिडी ने अपने इंड एस के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बना दी है. तो अब जब पेरेंट कंपनी है वो बाद में कर रही है, तो डेफिनेटली
सब्सिडी ने पहले एक अप्लाई कर रखे तो सब्सिडी का जो भी होगा वो उसको मानना पड़ेगा, तो आंसर डेफिनेटली डिफरेंट हो जाएगा हमारा। फिर ए लिमिटेड उसके चेंज नहीं कर सकता है जो बी लिमिटेड ने पहले ही कर रखा है, क्योंकि बी लिमिटेड ने पहले अडॉप्ट कर लिया है इंडेक्स। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स, पेरेंट कंपनी पहले अडॉप्ट करती है फिर सब्सिडी कंपनी को अडॉप्ट करना पड़ता है फॉर कंसोलिडेशन पर्पज। बट अगर पहले पेरेंट सब्सिडी कंपनी ने कर लिया है, पेरेंट ने बाद में किया है, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे केस में वापस से बी लिमिटेड को बैलेंस शीट को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फर्स्ट टाइम अडॉप्शन खाली एक बार किया जाता है लाइफ में, आपको बताया था, और एक बार उसने कर लिया ऑलरेडी, उसके बाद में उसको वापस से हम एग्जेम्पशन ऑप्शन ले लिया था, वापस से हम बोलेंगे एग्जेम्पशन नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया से हम लाइफ में एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर डेफिनेटली बदल जाएगा। पहले केस में हम बोल सकते हैं कि ए लिमिटेड चाहता है एग्जेम्पशन नहीं अवेल करना है, उसको रेस्ट्रिक्टेड से डालना है तो डाल सकते हैं, राइट। दूसरे केस में अगर पहले सब्सिडी ने अप्लाई कर दिए हैं इंडिया से, तो पहले अप्लाई कर दिए तो एक बार अप्लाई होना है, वो अप्लाई हो गए हैं, उसके बाद में अभी पेरेंट कंपनी उसको बदल नहीं सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स इन शॉर्ट ये सब जो डिस्कशन चल रहा है वो यही चल रहा है कि पेरेंट कंपनी को सब्सिडी कंपनी के जो बैलेंस शीट है बनाने के लिए अपनी बैलेंस शीट, अपने जो बैलेंस शीट के आइटम हैं उनको या तो हम कैरिंग अमाउंट पे रखें या हम रेस्ट्रिक्टेड से चेंज करें। तो आंसर ये आता है कि हमको रेस्ट्रिक्टेड से चेंज करना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है जहां पर हम इसको चाहें तो कैरिंग अमाउंट भी रख सकते हैं, पुराने गड़े मुर्दे ना उखाड़े तो भी चलेगा। ये उसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस हो या और भी दूसरे केस आएंगे, सब में आपको यही ऑप्शन है कि आपको प्रीवियस अमाउंट रखना है जो कि हम बैलेंस शीट बनाने वाले हैं ओपनिंग बैलेंस शीट उसके लिए, या हमको रेस्ट्रिक्टेड टैक्स डालना है। तो नॉर्मली इंडेक्स 101 यही बोलता है कि रेस्ट्रिक्टेड टैक्स डालो, लेकिन अगर आप वहां से नहीं डालना चाहते, रेस्ट्रो नहीं करना चाहते हो, तो आप आईसीबी कर सकते हो। उसमें उसने बोला है कि ऐसी कंडीशन होंगी तो कर सकते हैं, तो वो जो मेजर पार्ट है उसके अंदर उसने बता दिया कि आप एग्जेम्पशन ले सकते हो, क्योंकि इंडेक्स आपको प्रॉब्लम देने के लिए नहीं है बल्कि उसका सोल्यूशन अच्छे से करने के लिए। ओके, परफेक्ट। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर और क्वेश्चन दिए हैं, बट अब बीच में ये क्वेश्चन आ गया है 9 जिसमें ईशॉप का क्वेश्चन है, तो अपन वो बात कर लेते हैं, राइट। फिर वापस अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो हम देखेंगे। सो नाउ मेक द नेक्स्ट हेडिंग ईशॉप। सेकेंड पार्ट शेयर बेस्ड पेमेंट। एक्चुअली मैं ईशॉप नहीं लिख रहे, अपन लोग शेयर बेस्ड पेमेंट लिखते हैं क्योंकि उसके अंदर सब आ जाएगा। शेयर बेस्ड पेमेंट इंडेस 102। देखो फ्रेंड्स, हमने सीखा है जैसे ईशॉप आ जाए शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर, तो उसमें बेस्टिंग ऑप्शन नॉन बेस्टिंग ऑप्शन रहते हैं, मतलब अभी हमने बेस्ट कर लिया है, कुछ बेस्ट नहीं हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ईशॉप दिया हुआ है तो हमको देखना है कि कितना बेस्टिंग ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया जब अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले हो सकता है हमने ऑलरेडी जो शेयर इशू किए थे, क्योंकि एज पर हम जब ईशॉप नॉर्मल तरीके से इशू करते हैं तो बेस्टिंग पीरियड जो होता है वो बेस्टिंग पीरियड में हम अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना चालू कर देते हैं, बराबर। और जो बेस्टिंग पीरियड अभी तक नहीं हुआ है उसको हम लोग आगे जब आएगा उस टाइम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि हमने जब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इशू किया है और उसमें जो ऑप्शन का बेस्टिंग पीरियड ओवर हो चुका है, यानी कि अगर बेस्टिंग पीरियड दिया हुआ है तो बेस्टिंग पीरियड का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेस्टिंग पीरियड ओवर हो गया है उसको तुम मत छेड़ो, उसको तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हो या फिर उसको एज इट इज रख सकते हो, यानी कि कैरिंग अमाउंट पे रख सकते हो, यू कैन कंटिन्यू विद द कैरिंग अमाउंट। बट जो अभी तक अनवेस्टेड है, अब उनके लिए तो आपको पता है कि आगे हमको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, तो आगे के लिए तो हम इंडेक्स 103 थ्रू अप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि आई से इंडेक्स अप्लाई हो रहे हैं, तो आगे तो हम इंडेक्स ही अप्लाई करने वाले हैं। आई से पहले जो हो चुका है उसको एक बार मिट्टी डाल के काम खत्म कर देते हैं, लेकिन आज तक तो हमको इंडेक्स ही अप्लाई करना है, बराबर। आई से आगे तो हमको इंडेक्स ही अप्लाई करने है, तो वट एवर अनवेस्टेड, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे 5 साल का ईसॉप था, 5 साल में 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, अब हमने 4th ईयर में सोचा हम इंडेक्स अप्लाई करते हैं, तो ठीक है रिमेनिंग 3 ईयर जो ऑलरेडी बेस्टिंग हो चुके हैं उनको तो मैं एजिटेड रखो कैरिंग अमाउंट पे, लेकिन आई से जो हम इन्वेस्टेड कर रहे हैं यानी आई से जो हम आगे करेंगे वो एज पर इंडेक्स करेंगे, यानी कि एज पर इंडेक्स 103 करेंगे, सॉरी 102।
बराबर। सो जो अनवेस्टेड ऑप्शन है उनके लिए इंडेक्स 102 अप्लाई करेंगे और यहां पर हम जो है वो कंटिन्यू रह सकते हैं एज इट इज, और हम चाहे तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है राइट। तो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू, वो डीम्ड कॉस्ट का हमने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, वो उसी बेस पर हम ले सकते हैं, और जो ये वाली अमाउंट आएगी उसको हम एज पर इंडेक्स 102 अप्लाई करेंगे, बराबर। सो यहां पर भी वो एक्सेप्शन का ही ऑप्शन है, यहां पर भी हम रेस्टोर डाल सकते हैं और हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहां पर ऐसे ही करना है जो बेस्ट हो चुके हैं, और जो अनबेस्ट है उनका आगे के लिए इंडेक्स अप्लाई करना है, यही इसमें कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, एक बार अपन वो और देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स लिमिटेड इज द फर्स्ट टाइम अडॉप्टिंग ऑफ इंडेक्स, द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 1 अप्रैल, ओके, तो ट्रांजेक्शन डेट इज 1 अप्रैल 2011। इट हैज गिवन 200 स्टॉक ऑप्शन टू द एम्प्लॉय, आउट ऑफ दीज 75 ऑप्शन हैज वेस्टेड ऑन नवंबर 2020। फाइन, तो 200 ऑप्शन में से 75 ऑप्शन ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं एंड रिमेनिंग 125 वेस्ट ऑन नवंबर 30, 2011, माने 1 अप्रैल 2011 के बाद होंगे, 1 अप्रैल 2011 जब ट्रांजिशन डेट, और उससे पहले जो हो चुके हैं 75 वो हो चुके हैं राइट। व्हाट आर द ऑप्शन अवेलेबल टू एक्स लिमिटेड एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या ऑप्शन अवेलेबल है? तो फ्रेंड सिंपल, 75 को आप चाहो तो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू उस पर रहने दीजिए, और 125 उसके लिए आप इंडेक्स 102 अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि डेट ऑफ ट्रांजिशन से ही हमारे इंडेक्स अप्लाई होना चालू हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पुराने चीज को हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब से हमारे इंडेक्स अप्लाई होना चालू हो गए हैं तो उस दिन से हम लोग इंडेक्स 102 अप्लाई करना चालू कर सकते हैं राइट। वही इसका आंसर हम लिख सकते हैं, और आंसर 3 स्टेप में लिखना है, जिसमें हमको लेवरेज करना है अबाउट द शेयर बेस्ड पेमेंट, इंडेक्स 102, इंडेक्स 101 ने क्या बोला है जो भी हमने डिस्कस किया, उसके बाद में आपको प्रेजेंट टेंस लिखना है, बाद में लिखना है 75 ऑलरेडी हो चुके हैं उनको हम कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू पर रख सकते हैं, और 125 को हमको इंडेक्स 102 अप्लाई करके आगे ले जाना है। ओके, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इसका ही है बिजनेस कॉम्बिनेशन का। एक्स लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ बाय लिमिटेड, ठीक है, तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में आ रहा है राइट। एक्स लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट इंडेक्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2011, ओके। एक्स लिमिटेड वांट टू अवेल द ऑप्शनल एग्जेम्पशन ऑफ यूजिंग द प्रीवियस गैप कैरिंग वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ओके। तो ये पीपीए का भी आ गया फ्रेंड्स, ये आप बोल सकते हो CFS with PPA, तो PPA का भी सुन लीजिए। PPA का क्या रूल होता है, जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन का वैसे ही उसका रूल है, माने आप चाहो तो रेस्टर तक ले सकते हो, आप चाहो तो कंटिन्यू रख सकते हो, यानी थर्ड नंबर PPE, आप चाहो तो रेस्टर पैक के इफेक्ट डालो और आप रहो तो डीम्ड कॉस्ट पे रख सकते हो। डीम्ड कॉस्ट मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट, आपका ऑप्शन है राइट। सो यहां पर बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ में यानी कि CFS के साथ में PPE की बात कर रहा है, ठीक है, तो उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है, दे वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कैरिंग अमाउंट, सो कैरिंग वैल्यू पर उनको कंटिन्यू रखना है उसको, ओके। व्हेयर बाय लिमिटेड एक्स ने एक्वायर किया राइट, और एक्स लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी, एक्स पेरेंट है और बाय जो है वो सब्सिडियरी है, ओके। व्हेयर बाय लिमिटेड वांट्स टू यूज फेयर वैल्यू ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, बाय क्या चाहती है, फेयर वैल्यू, जबकि दोनों ही डीम्ड कॉस्ट हैं, या तो फेयर वैल्यू यूज करो या कैरिंग अमाउंट यूज करो, लेकिन अब दोनों में डिस्प्यूट हो गया है, पेरेंट बोलती है हम लोग कैरिंग अमाउंट यूज करेंगे, सब्सिडियरी बोलती है नहीं हम लोग फेयर वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है, इक्विपमेंट एज इट्स डीम्ड कॉस्ट, ओके, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। एग्जामिन वेदर प्रॉपर्टी प्लांट, एग्जामिन वेदर एक्स लिमिटेड कैन डू सो फॉर इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्स मतलब पेरेंट कंपनी कैन डू फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑल्सो एग्जामिन वेदर डिफरेंट एंटिटी इन ग्रुप कैन यूज डिफरेंट बेसिस ऑफ अराइविंग ऑफ डीम्ड कॉस्ट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो फ्रेंड्स एकदम क्लियर है, फॉर कंसोलिडेशन मैंने भी अभी आपको बताया, फॉर कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट परपज ऑल सब्सिडियरी शुड हैव द सेम अकाउंटिंग, माने आपने कैरिंग अमाउंट रखना है कैरिंग रखो, फेयर वैल्यू रखना है फेयर वैल्यू रखो,
लेकिन सेम अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको क्या रखना है कि कंसोलिडेशन के पर्पज से सेम अकाउंटिंग फॉलो करो, और आप एज ए स्टैंड अलोन रखना चाहते हो, अपने आप को सेपरेट रखना चाहते हो, उस टाइम आप अपना सिस्टम फॉलो करो, नो प्रॉब्लम। बट पेरेंट कंपनी को रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सारी सब्सिडरी का सेम सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सीखा है CFS भी रिक्वायर एवरी ईयर एज पर इंडिया 110 CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट हमको हर साल करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम चाहें तो कंटिन्यू रखें जो हमारा कंसोलिडेशन है उसमें सेम सिस्टम फॉलो करना है। अगर हमने फेयर वैल्यू लिया है तो फेयर वैल्यू रखो, अगर हमने कैरिंग वैल्यू लिया तो कैरिंग वैल्यू रखो, और सब्सिडी अपना इंडिविजुअल रखना चाहती है फेयर वैल्यू या कैरिंग अमाउंट वो अपना रखें। लेकिन अगर सब्सिडी ने पहले इंडेक्स अप्लाई कर लिए हैं तो उस केस में हमको सब्सिडी का ही रखना पड़ेगा, हम चेंज नहीं कर सकते, बराबर। तो ये भी आप एक नोट लगा दीजिए छोटा सा, सो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा नोट। क्या बोलेंगे, CFS एंड स्टैंड अलोन वैल्यू मे बी डिफरेंट, बराबर। जैसे CFS में हम चाहते हैं हम कैरिंग अमाउंट यूज करें, और स्टैंड अलोन में जो हम चाहते हैं सब्सिडी अपना खुद का जो है वो फेयर वैल्यू यूज करना चाहती है, तो अलाउ है, नो प्रॉब्लम, मे बी डिफरेंट। बट फॉर कंसोलिडेशन पर्पज एज पर इंडिया 110 ऑल ग्रुप दैट इज ऑल सब्सिडी शुड हैव टू अप्लाई सेम वैल्यू, माने डीम्ड कॉस्ट आपको या तो कैरिंग अमाउंट यूज करनी है या फिर फेयर वैल्यू यूज करनी है, वहां आप कॉन्ट्रोवर्सी नहीं कर सकते। फॉर कंसोलिडेशन पर्पज पेरेंट कंपनी को सारी सब्सिडी का एक ही वैल्यू लेना पड़ेगा, क्लियर। तो यहां पर हम बोल सकते हैं अच्छा, लेकिन सब्सिडी ने अगर पहले से कर लिया है तो सब्सिडी पहले से अपना रखे, नो प्रॉब्लम। लेकिन कंसोलिडेशन में हम करेंगे तो फर्स्ट टाइम एडॉप्शन के टाइम पर हमने जो पॉलिसी लिया है वो सब सेम लेना पड़ेगा, और अगर पेरेंट कंपनी ने फर्स्ट टाइम एडॉप्शन इंडेक्स कर लिया है तो डेफिनेटली उसको कंसोलिडेशन करने के लिए भी इंडेक्स को कंपलसरी कन्वर्ट करना पड़ेगा उसकी सब्सिडी कंपनी को भी, और तब वो कंसोलिडेट करेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि सब्सिडी उसकी एज पर प्रीवियस गैप कर रही है और इंडेक्स पेरेंट कंपनी ने अपना इंडिया से अप्लाई कर लिया है, पेरेंट कंपनी इंडिया से अप्लाई कर लिया तो उसकी सब्सिडी कंपनी को भी यानी कि उसकी जो जॉइंटली कंपनी है उनको भी उसको इंडिया से अप्लाई करना है, ठीक है। सो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यस दे कैन, बट CFS के लिए ऑल सब्सिडी शुड हैव सेम वैल्यू, दूसरा वैल्यू नहीं कर सकते, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पर्पज ऑफ डीम्ड कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन An entity has an option to using the carrying value as deemed cost. Okay. हमने कौन सा value use किया? Carrying value as deemed cost. In this context, suggest which carrying value is to be considered as deemed cost. In this context, suggest which carrying value is to be considered as deemed cost. Original cost or net book value? अरे obvious net book value, because carrying amount मतलब cost नहीं होता है, book value होता है. नेट बुक वैल्यू, तो ऑब्वियस नेट बुक वैल्यू विल बी कंसिडर, ठीक है। ऑल्सो एग्जामिन वेदर दिस वुड हैव एनी इंपैक्ट ऑन फ्यूचर डेप्रिसिएशन चार्जेज, माने इसके बस पर हमारे फ्यूचर में कोई डेप्रिसिएशन चार्जेज पर इंपैक्ट आएगा क्या? तो फ्रेंड सिंपल बात है कि हम जो वैल्यू रख रहे हैं वही वैल्यू रहेगा, तो फ्यूचर में कहां से चेंज आ जाएगा, यानी कि जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो नॉर्मल तरीके से लगेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारी वैल्यू वही है, तो कहां से चेंज आएगा, बराबर। तो छोटा सा डीम्ड कॉस्ट का एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे दिया है। डीम्ड कॉस्ट का मतलब कैरिंग अमाउंट, और फेयर वैल्यू जो हम रखना चाहें वो रख सकते हैं, बट कैरिंग अमाउंट रखा है तो कैरिंग अमाउंट मतलब नेट बुक वैल्यू होता है। ओके, नेक्स्ट, इन द पोजीशन ऑफ द एंटिटी टू एलोकेट कॉस्ट एज पर द प्रीवियस गैप टू द कंपोनेंट बेस्ड ऑन इट्स फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इवन वेन इट डज नॉट हैव द कंपोनेंट वाइज हिस्टोरिकल कॉस्ट। यस, बिल्कुल रख सकते हैं, माने हम फेयर वैल्यू मेजर करना चाहते हैं। Is it possible for entity to allocate cost as per previous gap to the component based on its fair value? बिल्कुल कर सकते हैं, on the date of transition, even when does not have the component wise historical cost. Historical cost हमको क्या लेना देना? हम लोग fair value और carrying amount which average, whatever you want to prefer, we can use. बस खाली अपन एक बार ले लिया वही लेना है, सारे के लिए वही लेना है, अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि एक पीपी के लिए ले लिया, दूसरी पीपी के लिए ले लिया, सबको फेयर वैल्यू को मेजर करना पड़ेगा, बराबर।
तो ये भी अलाउ है, यस डेफिनेटली अलाउड. नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन अंडर प्रीवियस गैप कैन बी कंसिडर एज डीम्ड कॉस्ट इफ द रिवैल्यूएशन वॉज एट द डेट ऑफ द रिवैल्यूएशन ब्रॉडली कंपेरेबल टू फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ असेट्स इन अकॉर्डेंस विद इंड एज. ओके, एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट एग्जाम्पल चेंज इन द जनरल और स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स, वॉट इज द एक्सेप्टेबल टाइम गैप ऑफ सच रिवैल्यूएशन फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, कैन एडजस्टमेंट बी मेड टू टेक इफेक्ट ऑफ इवेंट्स सब्सिक्वेंट टू रिवैल्यूएशन. अब फ्रेंड्स, रिवैल्यूएशन की बात हो रही है तो रिवैल्यूएशन मोस्टली पीपीई का होता है, बट हम रिवैल्यूएशन वर्ड को ही ले सकते हैं कि रिवैल्यूएशन केस में क्या करना चाहिए. ये मेनली बोलना चाह रहा है कि वॉट इज द एक्सेप्टेबल टाइम गैप ऑफ सच रिवैल्यूएशन फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. माने रिवैल्यूएशन तो ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक इंडेक्स में दिया नहीं है, इवन टाइम गैप के लिए भी कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी इसका मैं एक बार आंसर आपको रीड कराऊंगा जो मॉड्यूल में दिया हुआ है. ये क्या बोलना चाहते हैं कि रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस गैप में किया था वो हम कंटिन्यू रखेंगे तो बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि कैरिंग अमाउंट में तो रिवैल्यूएशन वगैरह सब आ जाता है. वो कैरिंग अमाउंट का हमको रिवैल्यूएशन का इफेक्ट कब से लेना है, तो नॉर्मली ऐसा कोई इस पर रूल नहीं होता है कि इतने साल से होना चाहिए उतना साल से होना चाहिए. सो इसके अकॉर्डिंग वो जो एडजस्टमेंट होगा वो हमको रिवैल्यूएशन का कैरिंग अमाउंट में जो भी आ रहा है वो लेना है. एक बार इसका आंसर रीड कर लेते हैं जरा मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है, क्योंकि रिवैल्यूएशन के ऊपर ऐसा कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस है नहीं. क्वेश्चन कौन सा है, 13 ना. रिवैल्यूएशन अंडर प्रीवियस गैप क्या बोलता है, There is no specific guidelines in Ind AS 101 to indicate the acceptance of time gap for such revaluation from the date of transaction. Okay, time gap ka koi guidelines is not there again. The management of an entity need to be exercise judgment in this regard. Okay, management can make the judgment. However, generally a period 2 to 3 year may be treated as an acceptable time gap of such revaluation from the date of transaction. In any case, adjustments should be made to reflect the effect of material events subsequent to the revaluation. ओके, सो बोलने का मतलब वो इनडायरेक्टली बोलना चाहता है कि भाई सब्सिक्वेंट का जो भी मटेरियल इफेक्ट आएगा वो मटेरियल इवेंट आपको देना है और ऐसा कोई गाइडलाइंस स्पेसिफिक नहीं है, राइट. सो ऐसा ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड क्वेश्चन नहीं है, नो प्रॉब्लम. नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा अभी फॉरेक्स, राइट. सो फोर्थ पार्ट फॉरेक्स, जिसको हम इंड एस 21 भी बोलते हैं, राइट. ये क्या बोलता है कि भाई जो भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है उन सबको जो भी क्लोजिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लेके आना है, राइट. एंड वॉट एवर प्रॉफिट एंड लॉस इधर यू कैन कीप इन ओसीआई और यू कैन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, राइट. सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर कोई एसेट्स पहले से रिकॉर्ड करके रखे हैं अपनी बुक्स में तो उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कर रखा है, accordingly we have to take the decision, right. So Ind AS 21